नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द EMF स्कूल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिमोट कंट्रोल तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल द EMF स्कूल को सब्सक्राइब कर राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा रिमोट कंट्रोल है, ये DD फ्री डिश का रिमोट कंट्रोल है। देखिए, इसमें आप देखेंगे तो वन नंबर नहीं प्रेस हो रहा है, टू नंबर प्रेस नहीं हो रहा है, थ्री नंबर देखिए प्रेस हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है, ये प्रेस हो रहा है। देखिए देखिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ नंबर प्रेस हो रहे हैं और कुछ कुछ नंबर प्रेस नहीं हो रहे, ठीक है। देखिए ये ऊपर वाली बटन, देखिए दोस्तों नीचे वाली, और इस प्रकार की कुछ कुछ बटन वर्क कर रही है, कुछ कुछ बटन वर्क नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आप कुछ भी ये ले लीजिए, जैसे मैंने एक टेस्टर ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से रिमूव कर लेना, सेल्स को रिमूव कर लेना है, ठीक है। रिमूव करने के बाद इसे एक साइड में हम रख देंगे। उसके बाद क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिमोट कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है। रिमोट कभी भी ख़राब नहीं होता है, इसमें सिर्फ कुछ ऑयली ऑयली सब्सटेंस इसमें आ जाए बोर्ड के ऊपर, उसे ही हमें साफ़ करना होता है। तो देखिए, इस साइड से आप कहाँ से खोल सकते हो, वहाँ से आप खोल लीजिए सबसे पहले। देखिए मैं इस जगह से इसे खोलता हूँ, यहाँ पर मुझे ठीक है दोस्तों, देखिए ये हमारी PCB है, ये हमारी IC होती है, देखिए इसमें IC होती है रिमोट कंट्रोल की, और सब इसमें मेमोरी हो जाती है पूरी की पूरी जो भी होता है। ये LED है जो हमें इंडिकेट करके बताता है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये हमारी IR सेंसर है, ठीक है। ये IR सेंसर रिसीवर का काम करता है, और ये हमारा जिससे हम प्रेस करते हैं वाला बोर्ड है। देखिए ये रबर का होता है, इसमें आपको साफ़ करना होता है। अब मैं बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपको ये जो बोर्ड है हमारा, ये जो बोर्ड है हमारा, इसके ऊपर कुछ भी, जैसे देखिए मेरे पास सैनिटाइज़र है, अभी आपके पास सादा पेट्रोल होगा वो ले सकते हैं या थिनर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक दो बूंद इसके ऊपर डाल लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एक दो बूंद डाल दिया है, देखिए सैनिटाइज़र की, उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं। देखिए ये मेरे पास कॉटन का थोड़ा सा ये है, कॉटन है, इसको आप जहाँ से देखिए, जैसे एक नंबर दो नंबर अच्छे से प्रेस नहीं हो रहा था, और नीचे में जो डायरेक्शनल की थी वो प्रेस नहीं हो रही थी, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा सा ज़्यादा लगा लेना है। जैसे देखिए IC के ऊपर इसको ज़्यादा लेके मत जाओ, जहाँ जहाँ ये यूज़ नहीं हो रहा था, जहाँ जहाँ हमारी बटन वर्क नहीं कर रही थी, वहाँ पर हमें थोड़ा सा इसे लगा लेना है। अब लगाने के बाद देखिए थोड़ा सा ऐसा कला आपको ये निकलेगा, तो ये कार्बन होता है दोस्तों, आपको सिर्फ कार्बन इसके ऊपर से निकाल लेना है। और इसे फिर थोड़ा सूख देने देना है, तो देखिए इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा जो रिमोट कंट्रोल था, जो बोर्ड था, वो पूरा का पूरा साफ़ हो चुका है। देखिए आप, पूरा का पूरा इसमें साफ़ हो चुका है, जहाँ जहाँ थोड़ा सा नहीं लगा था वहाँ पर हम लगा लेंगे, और पूरा का पूरा इसे अच्छे से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद अब देखिए इसके ऊपर पूरा का पूरा आपको कार्बन दिखेगा, फिर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा, फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा इसे सुखाने के लिए रखना है, ठीक है, सूखने के लिए थोड़ा सा रख देना है। उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद हम इसके ऊपर आएंगे, तो देखिए जहाँ जहाँ नंबर नहीं दब रहे थे, जैसे देखिए वन नंबर दो नंबर और ये अल्टरनेट की ज़्यादा दब नहीं रही थी, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लीजिए इसमें। देखिए इस प्रकार यहाँ पर भी आप थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल दीजिए,
इस प्रकार आपको उसमें सैनिटाइजर डाल देना है। और कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से साफ कर दीजिए। इसके अंदर के जो रबर के होते हैं ब्लैक वाली, इसको आपको अच्छे से साफ कर लेना। ठीक है, देखिए मैं ब्लैक वाले को साफ कर रहा हूँ अच्छे से। अब ये पूरे साफ हो चुका है, अब इसे सूखने के लिए रख देना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा ये भी सूख चुका है, देखिए ये भी सूख चुका है, और इसे हमने साफ कर लिया था और इसे भी साफ कर लिया था। अब हमें क्या करना है, इसे असेंबल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये असेंबल हो चुका है, अब हम इसमें सेल डाल के चेक करेंगे। देखिए ये मैं सबसे पहले सेल डाल देता हूँ। और ये पीछे का कवर इसमें लगा देता हूँ। अब हम देखेंगे हमारी कौन सी की वर्क कर रही है और कौन सी की वर्क नहीं कर रही है। तो देखिए ये देखिए, ये वर्क कर रही है, ये भी, ये भी। देखिए ये 1 2 तो वर्क नहीं कर रही थी, ये भी आसानी से वर्क कर रही है। देखिए फिर अल्टरनेट कीज देखेंगे। देखिए देखिए, इससे इंडिकेट होता है कि की वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। इस लाइट से इंडिकेट होता है कि की वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अल्टरनेट कीज़ में देखते, जैसे देखिए यहाँ पर और यहाँ पर वर्क कर रही है, ये 2 की और ये 4ों की अच्छे से वर्क नहीं कर रही थी। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे, देखिए ये 1 ही इसमें वर्क कर रही है, इसी में वर्क कर रही है, 1 ही इसमें वर्क कर रही है, ये भी वर्क कर रही है, ये भी वर्क कर रही है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने रिमोट कंट्रोल को रिपेयर करना सीखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।